कि ये स्ट्रक्चर जो आपके सामने दिखाई पड़ रहा है ये क्या है? प्रिज्म में मैंने आपसे कहा कि टू सरफेस ऐसे होते हैं जो ट्रायंगुलर या ट्रायंगल कह सकते हैं। एक देखिए आपके सामने दिखाई पड़ रहा होगा, ये इसका शेप कैसा है? इधर वाला जो देखेंगे कैसा है? ये इसके साइड बदलती है, इसको आप देख पा रहे हैं ये कैसा है? कैसा है? वन सरफेस ये हो गया। सेकंड सरफेस को देखेंगे ये भी कैसा है? रेक्टेंगल। टू सरफेस हो गया, एक सरफेस और है ये कैसा है? रेक्टेंगल। तो थ्री सरफेस आपको रेक्टेंगुलर फॉर्म में दिखाई पड़ेंगे और टू सरफेस आपको ट्रायंगल फॉर्म में। प्रिज्म जो होता है इसमें दो सरफेस आपके होते हैं जो ट्रायंगल होते हैं और थ्री सरफेस होते हैं जो रेक्टेंगल। इसका वर्क जो होता है वो लाइट को उसके कलर्स में डिवाइड करना होता है। जब कभी इस पर कोई व्हाइट लाइट पड़ती है तो उस व्हाइट लाइट को, व्हाइट लाइट कितने कलर से मिलकर बनी होती है? सात। कितने कलर से? तो जब कभी व्हाइट लाइट आकर के इस पर पड़ेगी तो इस पर पड़ने के बाद जब यहाँ से निकलेगी तो वो सेवन कलर्स में क्या होगी? डिवाइड। एक बात और ध्यान रखना, मैंने आपको रिफ्लेक्शन थ्रू अ ग्लास लाइट का भी पढ़ाया है, उसमें ये बताया गया था कि जब कभी लाइट रे किसी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही होती, मान लीजिए ग्लास स्लैब है, व्हेनेवर वी काउंट इन अ ग्लास स्लैब, जब हम ग्लास स्लैब में इसको काउंट करेंगे प्रिज्म, हालांकि जो प्रिज्म होता है वो भी एक ग्लास स्लैब ही होता है, जब लाइट रे इस पर आकर के पड़ेगी तो लाइट रे इस पर, जो लाइट रे आती है उस लाइट रे को हम लोग कहते हैं इंसिडेंट, जब इसके अंदर से जा रही होगी तो रिफ्रैक्टेड, रिफ्रैक्टेड, और जब यहाँ से निकल रही होती है तो उसे कहते हैं इन्वर्जेंट। आपको मतलब एक जगह इंटर कर रहा है फिर यहाँ पर डेविएशन हो रहा है फिर इधर से निकल रहा है, उसको इमर्ज कहते हैं। और यहीं पर एक टॉपिक आपको मिला था लैटरल डिस्प्लेसमेंट, राइट? अनुभव सबको। चलिए तो मैं बात ये कर रहा हूँ कि जब लाइट इस पर पड़ेगी